चाहे तप त्याग के मामले में क्यों ना हो, 10 उपास ज्यादा से ज्यादा सक्सेस किसके होते हैं? युवा होते हैं, 10 उपास कर लेते हैं पर्युषण में, पद विहार में ज्यादा सफल और सक्सेस कौन होते हैं? जो तन मन से युवा हो, क्या फर्क पड़ता है? युवा शक्ति, युवा धन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानें, समझें और अपने कर्तव्यों को समझें। समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? पूरे समाज में से आप आए हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? धर्म के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? जिस धर्म में से, जिन संस्कारों से आप आगे बढ़े हैं, उनके लिए आपको क्या करना? वो देश जिसकी माटी पर हम रहते हैं, जिसकी माटी में पल पुस करके बड़े हुए हैं, क्या कर्तव्य हैं? अनेक शहीद हुए हैं जैन युवाओं में भी देश के लिए। उद्योगपति कोई बने, कोई शिक्षा के क्षेत्र में गजब गजब लोग, समंत्रभद्र आचार्य का नाम सुना, कुंभोज बाहुबली में जिनकी समाधि हुई, वो भी एक जमाने में क्रांतिकारी थे और उनके साथी थे मोती चंद साहा और ऐसे 3-4 नाम। अर्जुन लाल सेठी के मार्गदर्शन में वो जयपुर और देश में क्रांति के झंडे गाड़ते थे। अर्जुन लाल सेठी भी एक जैन श्रावक, लेकिन कुछ रूढ़िवादियों को कम पसंद आते थे, फिर भी जबरदस्त पंडित भी थे और श्रावक भी थे और खतरनाक क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को अपने यहां छुपाने की जिम्मेदारी वो लेते थे। मालूम है समंत्रभद्र जी को वैराग्य का एक कारण क्या बना? क्रांति के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, सतत्र क्रांति के लिए धन की जरूरत थी और जयपुर में उसकी योजना बनी और आरा के उनने समझा, आरा का अमुक अमुक महंत और उनका आश्रम बहुत अमीर होगा, वहां हमला बोला देश की स्वतंत्रता के लिए, धन पाने के लिए। मोतीचंद साहा उसमें हेड थे, क्रांतिकारियों के युवाओं की टुकड़ी में। इस चीना झपटी में महंत की हत्या हो गई। जो धन उनके हाथ में आया उसमें इतना भी पैसा नहीं था कि किराया भाड़ा निकल आए। तो अब इनको दो तरह से विकल्प हुआ, एक तो एक आदमी मर गया, दूसरा कुछ मिला ही नहीं। जब उस पर अंग्रेजों ने खोजबीन कार्रवाई की, काफी समय तक पता नहीं पड़ा, लेकिन उनमें से एक किसी और कारण से गिरफ्तार हो गया और जब उसको मार पड़ी तो उसने सारे नाम खोल दिए। मोती चंद का नाम भी उसमें आया। मोती चंद को फांसी की सजा हुई और देश के लिए शहीद होने वालों में भगत सिंह, चंद्रशेखर के आसपास ही शहीद होने वालों में जैन श्रावक का अगर नाम कोई पूछे तो मोती चंद साहा। युवावस्था में केवल 18-22 वर्ष की वय में उन्होंने देश के लिए, बहुत सारे नाम हैं, देश के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य क्या कर सकते हैं? आप सक्षम हो गए हैं, मंदिर के लिए कुछ करें, समाज आगे बढ़े, उनके लिए स्कूल, उनके लिए शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके घर, उनके भोजन आदि के किसी तरह के प्रबंध, कम से कम समझदार लोगों को ये तो करना ही चाहिए। यदि आप सक्षम हो गए हैं तो मंदिर की जो चीजें आज तक आप वापर रहे हैं, दुकान, मकान, संपत्ति, और सम्मान के साथ समाज और मंदिर के सुपुर्द कर देना चाहिए। आज हम बहुत सक्षम हैं और उसके एवज में आप जो दान कर सकते हैं खुले दिल से करना चाहिए। जमाना कभी भी कितना भी बदल जाए लेकिन उसूल बहुत बार एक जैसे होते हैं। पहले के जमाने में भी लोग ईमानदारों को पसंद करते थे, इस जमाने में कितने बेईमान पैदा हो जाएं तो अभी पसंद किसको करते हैं? अगर कोई चोरी करके, ब्लैकमेलिंग करके, साइबर क्राइम करके कहीं से भी धन इकट्ठा किसी ने किया है, वो सुरक्षित रखना चाहता है, किसके पास रखेगा?
चोर भी चोरी का पैसा अगर कहीं सुरक्षित रखना चाहता है तो ईमानदार आदमी ढूंढेगा। इसका मतलब है ईमानदारी से बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं होता। सत्य अहिंसा सदाचार शाकाहार ईमानदारी, ये गुण आपके बने रहना चाहिए। अक्सर एक उलझन होती युवाओं की, युवावस्था में दो चीजें होती हैं, बोले पहले नोट्स बनाने की टेंशन थी, नोट्स बनाने की टेंशन थी और अब नोट कमाने की टेंशन हो गई। फिर भी वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, अपने अमूल्य जीवन को जानें और अपने कर्तव्य को समझें। जिन माँ बाप ने आपको बढ़ा किया है, तैयार किया है, उनके प्रति आपके कर्तव्य बनते हैं। बेटी जब घर से विदा होती है तो माँ बाप को जो दुख होता है उससे दुख 100 गुना दुख तब होता है जब बेटा मुंह फेरता है। बेटे बेटियों की अपनी जिम्मेदारी है, आप कितने भी युवा हो जाएं और आप कितने भी कमाने लग जाएं, लेकिन माँ बाप की आज्ञा के विरुद्ध यदि आप जाएंगे तो जिंदगी में ऐसी बुरी ठोकर खाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज तक वो दुआ ही देते रहे और दुआ देते देते आप इतने ऊपर पहुंच गए, और अगर उनने किसी तरह से उनकी बददुआ लग गई तो आप किसी के साथ भागिए, आप किसी तरह का कर्म करिए, कहीं ना कहीं आप धोखा जरूर खाएंगे। इसलिए माता पिता को भी कहते हैं कि बेटे को बच्चों को लायक तो बनाओ, बच्चों को खूब लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक मत बना देना कि वो आपको ही नालायक समझने लग जाए। संभालिए युवा धन को, संभालिए भी। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबका कर्तव्य है कि अधिक अपेक्षाओं का बोझ युवाओं पर ना लादे, नहीं तो उन्हें 2 नंबर के रास्ता सोचना पड़े, चोरी के रास्ता सोचना पड़े, अथवा किसी तरह से वो डिप्रेशन में आ जाएं। पढ़ाई का इतना बोझ लाद देने की, इंजीनियरिंग तेरे को करना ही करना है, आईटी तुझे को करना ही करना है, इस बार तो नीट क्रैक करना ही होगा, और इतनी सारी अपेक्षाएं इतना बोझ डाल देते हैं, कई डिप्रेशन में आते हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। युवा धन बर्बाद हो गया, हर हाल में संभालिए। अगर वो चीज़ उसे नहीं जमती है, ठीक से उसके भाव जानिए, उसकी बात समझिए, कोई किसी की स्पर्धा में खड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसकी जैसी कैपेसिटी है आप उसकी क्षमताओं का उपयोग करिए, उसे सम्मान दीजिए। हो सकता है कि आज वो खुद सीए नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाए कि सैकड़ों सीए उसके नीचे पानी भरे। कुछ ऐसा हो जाए कि बड़े से बड़े आदमी भी उसकी बात सुनने और मानने लग जाए। तो बहुत सारी बातें और हैं, फिर भी युवा वायु है और वायु के बल पर क्या क्या नहीं होता है। जैसी भी जैसी मशीन जो होती है, बड़े से बड़े हाइड्रोलिक होते हैं, वो वायु से ही चलते हैं। आपकी शक्ति का वायु की तरह सदुपयोग करें और विनाश की बजाय उसे सृजन में लगाएं। किसी तरह की वो आंदोलन न करें कि जिसे समाज का नुकसान हो, देश की संपत्तियों का नुकसान हो, लेकिन ऐसे सात्विक रास्ते ज़रूर अपनाएं जिससे देश में नवाचार हो, नया परिवर्तन हो, समाज धर्म और संस्कारों की उन्नति हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। भाई लोग कहते हैं, क्वाइलिस कार चाहिए। बहनें कहती हैं हीरों का हार चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं श्रेष्ठतम जीवन के लिए तो केवल अच्छे संस्कार चाहिए।
उच्चतम जीवन के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसका संसार भी अच्छा होगा। जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसका व्यापार भी अच्छा होगा। जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसका व्यवहार भी अच्छा होगा। जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसका भावपार भी अच्छा होगा। सौभाग्यशाली हो, हम उस देश की माटी में जन्मे हैं जिस देश में तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। यहाँ की माटी में ऋषभ देव जन्मे, जिनके पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिनके पुत्र बाहुबली विश्वविख्यात हुए, और उस तीर्थंकर परंपरा में 24वें तीर्थंकर महावीर। 20वें तीर्थंकर के काल में भगवान श्री राम और 22वें तीर्थंकर के काल में श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ये वो माटी है जिस माटी में गेहूं का एक दाना डालू तो 1000 दाने उगते हैं। ये वो माटी है जिस माटी में चावल का एक दाना डालो तो 1000 दाना उठते हैं। ये वो माटी है जिस माटी में पानी डालो तो फूल देती है, अनुकूल देती है। जैसे इस माटी में डाले गए थोड़े से बीज बहुत सारा फल देते हैं, वैसे ही इस माटी में पैदा हुए लोगों के लिए उनके पुरखे जो थोड़े से संस्कार डालते हैं उन थोड़े संस्कारों के बल पर वो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, हजारों हजारों लोगों के काम आते हैं। सौभाग्यशालियों, बोली संत आता है, बसंत का और संत का काम बोले एक ही है, दोनों आते हैं सबसे पहले माइक पकड़ते हैं, जरूरी है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत को कौन बनाता है? तपस्वी सम्राट ने बाद में बनाया है, ज्ञान सागर ने बाद में बनाया, धर्म सागर ने बाद में बनाया है। सबसे पहले कौन बनाता है? संत को सबसे पहले माँ बनाती है। पेट में कोई जीव आया है, कोई सौभाग्यशाली आया है, और कोई सौभाग्यशाली माँ शुरू से उसे वैसे भाव देती है, वैसे विचार देती है, खुद की प्रवृत्तियां निखारती है। कहते हैं शांति सागर जब गर्भ में आए तो माँ को 1000 दल का फूल चढ़ाने की इच्छा हुई, फूल चढ़ाने की इच्छा हुई। आचार्य विद्यासागर जी के लिए भी ऐसा ही प्रसंग है। महावीर कीर्ति जी के लिए कहते हैं कि उनकी माँ को इच्छा हुई समेत शिखर तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियों के दर्शन करने के। तीर्थंकरों के तो 14-14 16-16 सपने देखे जाते हैं। कहते हैं राम जब गर्भ में आए तो भी माने सपने देखे, कृष्ण जब आए तब भी देखे। महावीर की माने 16-16 सपने देखे, और सौभाग्यशाली माँ ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें सारे संस्कारों को और संस्कृति को जीवंत करके दिखाया। भाग्यशाली हो, 84 लाख योनि में एक इंसान की योनि है जहां संस्कारों की प्रधानता। जानवरों को कितना संस्कारित करो वो सर्कस से ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। नारकियों को आप सिखा नहीं सकते। कोई सौभाग्यशाली हो और कोई देवता जाके संबोधित करे और सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका सौभाग्य, वरना नारकियों को आप क्या सिखाएंगे? देवताओं को अपनी मौज मस्ती से फुर्सत नहीं है। इंसान धर्म योग्य ही मानवा, एक धर्म के योग्य एक इंसान है, मनुष्य है। ध्यान रखिए, जन्म तो एक सादा आदमी का होता है, जन्म तो एक सादा बच्चे का होता है,
संस्कार पाकर के वो इंसान बनता है। अगर संस्कार ना हो तो वो इंसान नहीं और कुछ भी हो सकता है। संस्कार, सुसंस्कार, आयुर्वेद में एक विशेष चैप्टर है कि अमुक तरह की दवाओं में अगर अमुक तरह की भावना दी जाए, अमुक तरह के संस्कार दे दिए जाएं तो कई गुना स्ट्रांग हो जाते हैं। तेल वही रहेगा, उस तेल में तुलसी की, सौंठ की, सूर्य की, चंद्रमा की, इस तरह की कोई आभा, कोई भावना दे दी जाए, इस तरह के संस्कार दे दिए जाएं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जब जड़ पदार्थों में जड़ की भावना देने से उसकी शक्ति बढ़ सकती है, तो चेतन पदार्थों में चेतन की भावना दी जाएगी तो उसकी शक्ति क्यों नहीं बढ़ेगी। प्राणिक हीलिंग और रैकी लगभग इसी स्तर पर काम करती है, इसी सिस्टम से काम करती है। अभी अपना अजप जोगम का जो मंगलमय वातावरण है, बहुत गहरे में नहीं जा पा रहे हैं अभी, लेकिन जब इसमें गहरे में जाएंगे तो आह्लाद भी होगा, एनर्जी मेंटेन भी होगा, और जब हम अपनी खुद की एनर्जी एकत्रित करके अगर हम अपने ऊपर ही डालें तो हम भी बहुत पावरफुल बनेंगे, और हम अगर वो अपनी एनर्जी किसी और के ऊपर भेजें कि वो अस्वस्थ है, उसका अच्छा हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, तो निश्चित रूप से वो सामने वाला प्रभावित होगा। एकता में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे कहते हैं कि ओंकार पंच परमिष्ठी का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, उत्पाद व ध्रुवत्व का प्रतीक है। अगर इसके एक साथ उच्चारणा की जाए, इसका ओंकार का मंगलमय कंपन प्रकंपन की जाए, ध्वनि की जाए, तो एक साथ की गई ध्वनि का जो एनर्जी पावर बनेगा वो दूर दूर तक, जहां तक उसकी रेस पहुंचेगी, वहां तक के वातावरण को रोगाणुओं से मुक्त कर देगी, वहां तक का वातावरण खिल जाएगा। आप देखिए ना, वहां कुछ चाय वाले बैठे रहते हैं, कुछ और लोग बैठे रहते हैं, जब तक आपका ध्यान योग चलता है तब तक वो भी कैसे बैठे रहते हैं, चाय कम पीते हैं, आपको असर पड़ता है। संस्कार, तो जैसे ही हम योग से, आसन से, मंत्रों से अपने को संस्कारित करेंगे तो जीवन निखरेगा।